जय झारखंड, जोहार झारखंड। साथियों, आपको सूचित करना चाहूँगा कि अब कुछ दिन के लिए मेरे इम्तहान हैं, परीक्षाएं हैं, इसलिए अब इस आंदोलन का नेतृत्व आप सभी को करना है। मैं कुछ दिन के लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा कि आपके आंदोलन में, आपके हमारे इस झारखंड के आंदोलन में मेरी भूमिका कुछ दिन के लिए नगण्य रहेगी, कारण मेरे इम्तहान है। और मैंने बार बार कहा है कि मैं एक छोटा सा युवा हूँ, पढ़ने वाला, एक किसान का, एक शहीद का बेटा हूँ, एक गांव की माटी का बेटा हूँ, लेकिन यदि लाखों की संख्या में लोग मुझसे जुड़ते हैं, मुझे सभाओं में सुनने आते हैं, तो इसका एकमात्र कारण है मेरे पास की जानकारी। और वह जानकारी मैंने शिक्षा के दम पर हासिल की है, मैंने अपनी पढ़ाई के दम पर हासिल की है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, उसमें विचारों का योगदान है, और विचार कहीं ना कहीं शिक्षा से उत्पन्न होते हैं। इसलिए आपसे निवेदन होगा, आप भी अपनी पढ़ाई को जारी रखें, जब पढ़ाई जारी रहेगी तो निसंदेह आपकी लड़ाई में जीत होगी। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था कि एक इंसान वास्तव में इंसान तभी बनता है जब शिक्षा का समावेश होता है, यानी एक शिक्षा वास्तव में एक इंसान को इंसान बनाती है। डॉक्टर अम्बेडकर भारत रत्न, उन्होंने भी कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। नेल्सन मंडेला, उन्होंने भी कहा था कि शिक्षा के दम पर ही संसार को बदला जा सकता है। मार्टिन लूथर किंग, जिनकी बात करें, क्रांति के आदर्श, शहीद आजम भगत सिंह की बात करते हैं, उनके साथी कहते हैं, उनकी किताबों में भी बातें लिखी हैं, कि जब भी लोग उनसे मिलने जाते थे, उनके हाथों में किताबें होती थी और अपने दोस्तों से कहते थे कि यदि अगली बार मुझसे मिलने आओ तो किताबें लेकर आना। इसका मतलब सीधा संदेश है, पहले पढ़ाई फिर लड़ाई। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, देश के महान संत स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि यदि स्कूल कॉलेज तक गांव, गरीब, किसान, मजदूर का बेटा पढ़ने के लिए नहीं जा पाता है, कहाँ स्कूल और कॉलेज यानी शहरों तक, तो शहर स्कूल और कॉलेज का कर्तव्य बनता है, वह गाँव आए, खेतों की पगडंडियों को लांघते हुए वह गांव आए और किसान मजदूर के बेटे को पढ़ाने का काम करे। पढ़ाई का महत्व होता है साथियों, इस लड़ाई को अगर मजबूती देनी है तो पढ़ाई को जारी रखनी होगी। मेरी पढ़ाई है, मेरी परीक्षाएं हैं, इसलिए आंदोलन का नेतृत्व, अगुवाई आपको करनी है। फिर जैसे मेरी परीक्षाएं समाप्त होंगी, इस आंदोलन में मैं आपके साथ रहूंगा। बात करते हैं झारखंड की, हमारे महापुरुष झारखंड के पुरोधा विनोद बिहारी महतो ने भी कहा है, पढ़ो और लड़ो। उन्हें भी जानते थे कि बिना पढ़े हम लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा पढ़ो और लड़ो। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षा के महत्व को समझें, पढ़ें, फिर लड़ाई को आप लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। मैं थोड़ा सा अपने एग्जाम के कुछ क्वेश्चन आपको बता दूँ, शेयर करना चाहूँगा। पेपर वन है, उसमें है व्हाट इज रिसर्च, डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफाइन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। आंसर थोड़ा सा बता देता हूँ। Research is defined as a careful study on a specific topic or issue. Research is an effort to add some extra knowledge into the existing knowledge. ये इसका हिंदी अर्थ है कि रिसर्च यानी शोध क्या करता है कि आपके पास जो जानकारी है, आपका जो ज्ञान है, उसमें कुछ ज्ञान की वृद्धि करता है। एड एक्स्ट्रा नॉलेज इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी आपके पास जो जानकारी है, आपके पास जो नॉलेज है, उस पर ये एक्स्ट्रा नॉलेज एड करता है, इस क्वेश्चन का अर्थ। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो के बाद मैं फिर पढ़ने बैठ जाऊँगा और मेरे इम्तहान है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ लड़ें और चीज़ों को समझें, जानें, और जमाना को अगर अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाना है तो शिक्षा का योगदान होता है। जय हिंद, जय भारत। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।